हाँ पापा, ऐसे कैसे आ जाऊं, अभी तो तैयार भी नहीं हूं मैं। आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि शादी में मेरा भी चलना जरूरी है। अच्छा, नॉनवेज है? हाँ, आता हूँ। क्या हुआ? यार, मम्मी पापा अपने किसी दोस्त की शादी में गए हुए हैं, उनको अब याद आ रहा है कि मुझे भी वहां होना चाहिए। तो हला जा, वहां जाके मुझे पता है ना क्या होने वाला है। पापा के दोस्त बड़े चालाके हैं, चुपके से अपनी बेटी इंट्रोड्यूस करा देंगे, मीट माय डॉटर रिंकी। और मेरे माँ बाप तो है ही, उनको तो भरोसा ही नहीं उनकी औलाद खुद के दम पे कोई लड़की ढूंढ सकती है। जहां रिश्ता मिले पकड़ लो। चल, मैं चलता हूँ। ऐसे जाएगा? हाँ, तो फाले मेहमान कम और दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड ज्यादा लगेगा, जो फिर फ्री की दारू और बिरयानी खाने आया हो। अबे कौन देख रहा है? लड़कियां देखेंगी और तुझे जज करेंगी। अभी तेरे में से ऐसी बदबू आ रही है कि बगल वाला कूड़ेदान फेल हो जाए। और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? लड़कियां मरती हैं दाढ़ी वालों पे, ये देख के तो वैसी मर जाएंगी। ये दाढ़ी कम और वहां के बाल ज्यादा लग रहे हैं। गर्ल्स लाइक वेल ग्रूम्ड मेन हु स्मेल गुड, हु लुक हॉटी, यू लुक पॉटी, ब्रेक द बियर्ड। अब ठीक है? वाह पक्के जॉनी डेप। हाँ मम्मी, बस निकल रहा हूँ। हाँ, वो बेंचों को भी ला रहा हूँ ना साथ। ओके ओके बाय, ओके बाय। चल भाई तैयार हो जा, वो सूट रखा है मेरा, वो पहन ले। मैं कैसे आ जाऊँ बेंच? ठीक तो दिख रहा है, लड़कियाँ वैसे भी नहीं पूछती तेरे को सूट पहनने का, तो क्या पता निकल पड़े। चल। अबे मैं आ ही नहीं सकता, मुझे पैकिंग करनी है। कहाँ जा रहा है? दुबई। कब? तेरे को बताया तो था। मुझे नहीं बताया। ओ शिट, वो मैंने रोहन को बताया था। अबे यार। कौन रोहन? दोस्त है मेरा। कब जा रहा है? कल। क्यों? पापा ने बुला लिया है, बोल रहे हैं कि तू अब यहीं पढ़ाई कर और कुछ टाइम बाद मेरा बिजनेस संभाल लियो। पढ़ाई मतलब? कितने टाइम के लिए जा रहा है? बिजनेस संभालना है तो फिर हमेशा के लिए जाऊंगा। एक सेकेंड। तू हमेशा के लिए दुबई जा रहा है? हमें इतनी सारी फिल्में देखनी थी और सुमेधा की रिप्लाई का भी वेट करना था ना। मुझे लगता है वो हाँ कर देगी। और इस साल के एंड में बैंकॉक भी तो जा रहे थे हम। बैंकॉक तो मैं शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ चला जाऊंगा। मैच रेस्टोरेंट में टिफिन कौन लेके जाता है बे? दुबई में कुछ नहीं रखा भाई, इतनी गर्मी है वहाँ और नाइट लाइफ भी कुछ खास नहीं है। बैंको नाइट लाइफ भी तो बेस्ट है वहाँ की, महंगे महंगे क्लब और रेस्टोरेंट। टपरी वाली चाय नहीं है, महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार चलाने को मिलेगी। स्कूटी नहीं चला पाएगा। अबे वहाँ तेल इतना सस्ता है, तूने बुनमरानी है। वैसे तेरा दुबई जाना कब डिसाइड हुआ? लास्ट वीक। तब क्यों नहीं बताया? अबे तब रोहन के साथ इतना बिजी था, पार्टीज में जा रहा था यहाँ वहाँ, फिर वीरे दी वेल्डिंग देखने चले गए। वीरे दी वेडिंग है वो? ना ना, रोहन का भाई है वीर, उसकी वेल्डिंग की दुकान है, तो वीरे दी वेल्डिंग देखने गए थे। इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई नहीं। नेक्स्ट टाइम चल रही हो वेल्डिंग देख। दुबई जाने की बात कर रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ ना, भूल गया। ऐसे कैसे भूल गया, ये कोई भूलने की बात है? चिल्ला क्यों रहा है? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। नहीं नहीं, एक दूसरे को प्रॉमिस किया था ना कि हर छोटी से छोटी चीज शेयर करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे का नुनू शेयर करते थे? हाँ तो शेयर करते तो है। मैं कितनी लड़कियों के नंबर शेयर किए। अबे चूतिए, उसकी बात नहीं कर रहा। अबे तमीज से बात कर, मुझे तमीज मत सिखा। छोटी छोटी बात पे सीरियस हो रहा है। छोटी बात लग रही है इसको? हमेशा के लिए दुबई जा रहा है, इसको छोटी बात लग रही है, तेको पता? मतलब छोटी बात? जोर से बोल। जय माता दी। अब बड़ी बात है। और ये रोहन कौन है? दोस्त है मेरा। कब से? एक हफ्ते से है। तुझे क्या करना जान के? मुझे पता होना चाहिए ना कि जिसको मैं अपना BFF समझता हूँ उसका BFF कोई और है। BFF भड़वा फर्ज भी फ्रेंड। क्या BFF लगा रखा है? कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, बच्चों वाली बातें कर रहा है। इसको बच्चों वाली बात लग रही है? पोसेसिव क्यों हो रहा है इतना? और हर चीज तेको क्यों बताऊं? मैं कोई पोसेसिव नहीं हो रहा भाई, तेरे जैसे आदमी को पूछता कौन है? रोहन पूछता है, रोज उसके घर पे प्लेस्टेशन खेलते हैं हम। तभी तो रात को मेरा फोन नहीं उठा रहा आजकल। क्यों उठाऊंगा? वहां खेल रहे थे पबजी और ये कहता है टपरी पे खाने चलते रोटी सब्जी। कितना बोरिंग हो गया यार सब। बोरिंग तो लगी गई, वक्त और दोस्त बदलते देर थोड़ी लगती है। एक टाइम था जब मेरी दोस्ती बहुत पसंद थी इसको। टपरी पे मैगी खाते थे चाय के साथ, वो कॉइन वाली गेम खेलते थे, दोस्ती में दल्ला बनना पड़ा, वो भी बना मैं। लड़कियों के साथ डेट फिक्स कराई इसकी। तूने क्या फिक्स कराई बैंचो, मेरे खुद के बस की नहीं है। देख लिया मैंने, उस दिन एक लड़की के साथ डेट पे गया, बिल आने पे कहता तुमने मेरी पेप्सी से दो घूंट मारे, 20 रुपए दो। तुझे किसने बताया? मुझे सब पता है तेरी हरकतें। उस दिन पहली डेट पे लड़की को आई लव यू बोल दिया, लड़की ने कहा मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो कहता हाँ तेरी नाक पे फोड़ा दिख रहा है। तो तेरे भी बहुत किस्से हैं मेरे पास, कैसे लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड के खिलाफ भड़का के उनका ब्रेकअप करवा देता है। उसको सच्चाई सामने लाना कहते हैं। हाँ तू तो जैसे देवता है। नारी बचाओ देवता कहते हैं मुझे। इज्जत लूटो राक्षस है, हर जगह बेइज्जती करवाता है। उस दिन एक क्लब में इतनी सुंदर लड़की ने पूछा हे व्हाट्स योर पॉइजन, तो कहता लक्ष्मण रेखा। अबे मुझे मत समझा वैंचो, वाना गेट सम एक्शन को कहता है वाना गेट सम रोहित शेट्टी। जब मुझसे काम था तब भाई भाई करता फिरता था, अब जब खुद की लाइफ सेट हो गई तो मुझे बताया तक नहीं। आपस में क्यों लड़ रहे हो यार? नहीं नहीं, एक सेकंड, क्या काम लेकर आया तेरे से? कितनी बार एग्जाम में आंसर दिखाया तुझे, सबसे पहली प्रायोरिटी थी। क्यों? मैं लगे जू महीनों तक मेरी स्कूटी पे टशन मारता फिरता था, बचपन से लेकर आज तक ना जाने कितने हजारों का उधार है। तो लौटा दे। मैंने नहीं देने, तूने देने मुझे। कोई एहसान नहीं किया, तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। बस की नहीं ऐसा कुछ करने की, तेरी औकात ही नहीं है। औकात पे मत जा, क्रिकेट को उसके असली रंग दिखाने जरूरी होते हैं। साला एहसान फरामोश गोल्ड डिगर, तू फोन खोदता है। अबे तेरे जैसे भिखारी के साथ रहेगा कौन? तभी तो पाल रहा हूँ तुझे इतने साल से। बैचो तेरे माँ बाप से घर की किस्त तो भरी जाती नहीं, पालेगा मुझे।
ये क्या बोल रहा है? समीर इसको बोल यहाँ से निकल जा वरना मैं इसको मार दूंगा। मैं भी चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा। अबे क्या हो गया? मेरा हाथ उठ जाएगा। अबे तू कांग्रेस का है क्या? अबे जा अपने बाप के पास, उनकी तरह गुंडा बन जा। गुंडे नहीं है, बहुत कनेक्शन है उनके। कनेक्शन है, बिजली की तार है क्या तेरा बाप? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ना। अरे बाप, लड़ना बंद करो। आर फाइट इज आर फाइट, नन ऑफ तेरी मां का डे वीफा। ओह नो। हां पापा, हां रास्ते में हूं। आ रहा हूं। तू जा दुबई, मजे कर। जब दो जिगरी आपस में लड़े तो फुला कौन कराएगा? अकेला रह गया हूं किसी और के घर में। अबे ताला तेरा बाप लगाएगा।